अरे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ। तो आज हम लोग करेंगे रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है जरा बताइए तो। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना, रेपिटिशन। लेकिन रेपिटिशन किसका? रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज। देखिए कैसे, आपको जरा एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैंने लिख दिया थल 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 में बसता शिव ही। सावन का महीना चल रहा है। एक एग्जाम्पल हम भगवान भोलेनाथ पर ही ले लेते हैं। तो जरा इसको बड़े प्रेम से देखिए। कैसे देखना है? प्रेम से। जब आप इसको प्रेम से देखेंगे तो आपको एक वर्ड है, एक शब्द है, वो रिपीट हो रहा है। शब्द का देखिए क्या है, वो है थल थल में बसता शिव ही। समझ में आ गई? इसी को पुनरावृत्ति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। और भी एग्जाम्पल चाहते हैं? और एग्जाम्पल आपको, एक सेकेंड सोचने दीजिए जरा मेरे को। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर। झूम झूम, मैं लिखता हूं जरा, मैंने लिख दिया झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम। ये वाला एग्जाम्पल ज्यादा बढ़िया है ना। झूम झूम दो बार बोला, ये गाना ही याद आ गया मेरे को। तो झूम बराबर झूम बराबर। तो ये देखिए, ये शब्द बार बार आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुनरावृत्ति। देखिए कैसे। अब एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉन्ट सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। स्मॉल स्मॉल है ना। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। क्या आ गया ये? ईयर आफ्टर ईयर। तो ये क्या हो गया आपका? रेपिटेशन। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। ये हमारा मंगल सुनाता है, रेन रेन गो अवे। तो रेन रेन है, ये दो बार यूज हुआ है, इसी को रेपिटेशन कहेंगे। अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन लोन ऑल अलोन, रिपीट हो रहा है वो, इसी को हम क्या कहेंगे? रेपिटेशन। आसान सा है, ठीक है ना। तो और मैंने आपको जैसे कि भाई देखो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। चलो पहले पे आते हैं हम लोग। पहले पे जो अल्यूट्रिशन मैंने बताया हुआ है ना। अल्यूट्रिशन के फिर दो पार्ट्स हैं, कॉन्जोनेंस एंड एजोनेंस। ये देखो, अभी इसमें तो बताऊंगा नहीं, मैं पहले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ। यदि कोई भी डाउट है तो देखिए, ये जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है ना, इस प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज दिया हुआ है कि पन कौन सा है, अलिट्रेशन कौन सा है, एजोनेंस कौन सा है, कॉन्जोनेंस कौन सा है, सिमिली कौन सा है, हाइपरबली कौन सा है। तो यू कैन वॉच ऑल दोज फिगर ऑफ स्पीचेस जस्ट बाय क्लिकिंग दोज लिंक्स। उन लिंक्स को आप क्लिक कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। समझ रहे ना आप? तो आप वहां पर जाके देखिए, ये देखिए सारे वही है ना। तो एक एक वीडियो में मैंने बड़े प्रेम से समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप वहां पे जाके समझ लीजिए। चलिए ठीक है ना। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।